राजधानी दिल्ली सहित हरियाणा के चार जिलों में कहर बरपाने वाले 50,000 के इनामी बदमाश विकास उर्फ मिता पहलवान को एसटीएफ रोहतक के इंचार्ज इंस्पेक्टर संदीप धनखड़ की टीम ने बहालगढ़ रोड पर दीवान फार्म के नजदीक से गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी जानकारी देते हुए एसपी सोनीपत जशनदीप सिंह रणधावा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी मिता पहलवान ने 8 वारदातों में अपनी संलिप्तता कबूल की है, जिनमें ज़्यादातर मामले हत्या के बताए गए हैं। वहीं मिता पहलवान 6 फरवरी 2020 को फरीदाबाद में परिजन वैन में बैठे संदीप जठेड़ी को भी छुड़वाने की वारदात में शामिल रहा था। इसके साथ ही सोनीपत CIA को भी बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि CIA 2 सोनीपत ने 25,000 रुपये के इनामी मोस्ट वांटेड बदमाश योगेश उर्फ मोहित उर्फ बिहारी पुत्र सुभाष निवासी भैंसवाल कला को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी गिरफ्तारी मुरथल चौक GT रोड सोनीपत की बताई गई है, जिसके पकड़े जाने से मटिंडू गांव में मजदूरों का खाना देने जा रहे युवक की हत्या की वारदात से भी पर्दा उठ गया है। एसटीएफ रोहतक की टीम को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक हरियाणा और दिल्ली का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल यहाँ सोनीपत के बहालगढ़ रोड के आसपास देखा गया। उसी के ऊपर इंस्पेक्टर संदीप धनखड़ ने अपनी टीम पुलिस पार्टी यहाँ पे भेजी, जिसके अंदर ASI सतेंद्र, ASI सज्जन, कांस्टेबल सिकंदर, कांस्टेबल तकदीर, कांस्टेबल प्रमोद, कांस्टेबल संदीप कुमार के ने यहाँ पे आके अपनी सर्च की। और इसी सर्च के दौरान हमारा सोनीपत का एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, जिसके ऊपर 50,000 का इनाम है और जो कि हरियाणा के 4 राज्यों में वांटेड था, जिसमें झज्जर, फरीदाबाद और रोहतक आते हैं, और साथ ही में हमारे जो नेबरिंग स्टेट दिल्ली है वहाँ पे भी ये मोस्ट वांटेड चल रहा था। तो इसको यहाँ पे सेक्टर 7 के मोड से गिरफ्तार करने में कामयाब हुए। इसकी डिटेल्स इस प्रकार से हैं। विकास उर्फ मीता उर्फ पहलवान पुत्र जसमेर सिंह, जो कि बदाना सोनीपत का रहने वाला है, इसको कल 259 नंबर मुकदमा, जो कि मर्डर का मुकदमा थाना बरोदा जिला सोनीपत में दर्ज है, उसके अंदर इसको गिरफ्तार किया गया। जो इससे प्रिलिमिनरी पूछताछ की गई है उसमें इसने अभी तक ऑलमोस्ट 8 केस इसने कबूल लिया, जिसके अंदर इसके